Good morning, children. I have taught you 3 lessons of rows and 1 lesson of supplementary. Now, today I will teach you 2nd lesson of supplementary, the swan and the princess. Okay, beta? ये सेकेंड लेसन है आपका द स्वान एंड द प्रिंसेस. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसको पढ़ने में आपको अच्छा भी लगेगा, सुनने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा. पहले ये क्या है, इट इज ए प्ले, ये एक ड्रामा, एक नाटक है, ठीक है. उसके देयर इज ए डिस्प्यूट इन द प्ले, हु ओन्स द बर्ड, द वन हु कैचेस इट और वन लुक आफ्टर इट. अब ये एक प्ले है, ठीक है ना, एक प्ले है, नाटक है, जिसमें कि क्या है कि देयर इज ए डिस्प्यूट इन द प्ले. इसमें एक आपस में दोनों की बहस होती है, दो एक बहस के पीछे ये पूरा प्ले है. हु ओन्स द बर्ड, किसके पीछे, एक बर्ड के, एक चिड़िया पक्षी के पीछे ये आपस में बहस होती है. एक कहता है कि वो उसको अपना अधिकार समझता है और दूसरा कहता है कि उसने उसको बचाया है इसलिए वो उसका है. इस तरह से दोनों जो है इसके पीछे अपना बहस करते हैं. देव दत्त शूट द बर्ड डाउन, देव दत्त क्या करता है, उस बर्ड को वो शूट करता है, वो मारता है और उसको नीचे गिरा देता है. कौन, देव दत्त, ठीक है. And Devdutt to the butt, Siddharth saved its life. लेकिन सिद्धार्थ वो क्या करता है, उसके जीवन को बचाता है, ठीक है. सिद्धार्थ जो है उस पक्षी के जीवन को बचाता है, यानी देवदत्त उसको मारता है और उसको नीचे गिराता है मारकर, लेकिन देवदत्त जो है उसको बचाता है, ठीक है. And down, but Siddharth says this. Both of them princes claim the ownership of the bird. Yani dono rajkumar kya claim karte hain ki jo pakshi hai wo unka hai, unka adhikar hai. Dono ka ye kehna hai ki pakshi par unka adhikar hai, unhi ka pakshi hai. Devdutt kehta wo mera hai aur Siddharth kehta nahi wo mera hai. Is tarah dono ki behas chalti hai. The king was unable to decide what to do. अब king जो है वो असमर्थ होते हैं क्योंकि दोनों ही prince हैं, दोनों ही उन्हीं के अपने हैं, तो वो समझ में नहीं आता कि हम इसको कैसे इसको solve करें, इन दोनों की problem को हम किस तरह से हल करें. तब उन्होंने किसका सहारा लिया, minister, जो chief minister होते हैं. The minister put the swan on the stool. परेशान होके वो मिनिस्टर को बोलते हैं, तो मिनिस्टर जो है उसको सॉल्व करते हैं और उन्होंने फिर क्या किया, स्वान को एक स्टूल पर रखा, बीच में एक स्टूल रखा और उसमें उन्होंने स्वान, स्वान माने हंस, ठीक है ना, स्वान माने हंस, उस हंस को उन्होंने उस स्टूल पर रखा और उन्होंने क्या कहा, मिनिस्टर पुट द स्वान ऑन द स्टूल, द स्वान फ्लू टू द सिद्धार्थ आर्म्स एंड डिसाइडेड द केस. It was a case of natural justice. अब शॉर्ट में ये आपको बताया गया कि उन्होंने स्टूल पर उसको रखा और उसके बाद रखने के बाद जब इनको बारी बारी से उनको बुलाने के लिए कहा गया तो हंस जो है वो उड़कर तुरंत किसके पास आ जाता है, सिद्धार्थ की बाहों में आकर बैठ जाता है. और इस तरह ये केस जो होता है ये एक अपना नेचुरल जस्टिस, नेचुरल न्याय, मतलब एक प्राकृतिक न्याय होता है कि किसी मनुष्य को उसको न्याय करने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि एक पक्षी ने ही स्वयं ही अपने केस को फाइनल कर दिया, ठीक है बेटा. ये इसको आपको थोड़ा सा मैंने लेसन के बारे में थोड़ा शॉर्ट में प्ले के बारे में बताया. अब इसका मेन कैरेक्टर, अब देखिए मेन कैरेक्टर जो अभी हमने ऊपर थोड़ा बहुत हो गया, लेकिन उसके बारे में आपको थोड़ा और कैरेक्टर का डिटेल समझाते हैं कि किस तरह के कैरेक्टर कौन कौन है, क्योंकि ये प्ले है तो प्ले में तो आपको पता है कौन कौन से कैरेक्टर होने चाहिए, वैसे तो हर लेसन में होता है लेकिन इसमें अलग से उसका है ड्रामा का. इसमें पहले सुदोधना,
सुधोधना कौन है ये? द किंग ऑफ कपिल वस्तु, ठीक है, सुधोधना कौन है? द किंग ऑफ कपिल वस्तु। दूसरा सिद्धार्थ, द प्रिंस ऑफ कपिल वस्तु, ओके। देवदत्त कजन ऑफ सिद्धार्थ, वो कौन है? सिद्धार्थ का भतीजा कजन। चीफ मिनिस्टर, मेन एडवाइजर ऑफ द किंग, जो एक मेन मंत्री होता है, मुख्यमंत्री जो मेन होता है दरबार का, जो अब सलाहकार होता है किंग को, हर सलाह देता है, उसके मशवरा देता है, तो वो है मेन चीफ मिनिस्टर, जो किंग का मेन एडवाइजर। अदर फोर मिनिस्टर एंड ए डोरकीपर, अब इस नाटक में चार अलग और मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, और उसके अतिरिक्त एक डोरकीपर यानी दरबार, ठीक है, एक दरवान है अलग से। तो इतने आपके कैरेक्टर इस प्ले में दिखाया गया है। आइए अब इवेंट, अब आपको एक एक करके इसके बारे में समझाते हैं। इवेंट फर्स्ट, सबसे पहले क्या होता है? द डोर कीपर टेक परमिशन ऑफ किंग फॉर देवदत्त हु वांट्स टू कम इन। अब देखिए, सबसे पहले नाटक में, प्ले में ये दिखाया गया है कि जो डोर कीपर होता है, जो दरबारी होता है, वो अंदर आके प्रिंस, जो किंग होता है, किंग की परमिशन लेता है ना, क्योंकि आपको पता है एक दरबार में किंग का परमिशन लेकर तब काम को आगे, तो वो पहले आता है, अंदर आके वो किंग की परमिशन लेता है। और किसके लिए लेता है परमिशन? देवदत्त, हु वॉन्ट्स टू कम इन, देवदत्त के लिए परमिशन लेता है कि देवदत्त अंदर आना, कोर्ट में आना चाहता है। देवदत्त कंप्लेन्स ऑफ सिद्धार्थ फॉर स्वान, सेकेंड इवेंट, देवदत्त अंदर आता है और वो किसकी कंप्लेन करता है? सिद्धार्थ की, ठीक है, देवदत्त को कुछ कहना रहता है, कुछ कंप्लेन करना रहता है। आखिर वो कोर्ट में आया क्यों? इसीलिए आया है, अपनी शिकायत करने के लिए, जस्टिस के लिए आया वो, तो वो आया इसलिए, किसकी शिकायत करने के लिए? सिद्धार्थ, किसके लिए? स्वान के लिए। सिद्धार्थ एंटर्स द कोर्ट विथ ए वाइट स्वान, अब देखिए उसने उसकी शिकायत की, शिकायत करने के बाद फिर ये हुआ कि राजा को, यहाँ तक कि वहां के मंत्रियों को, किसी को ये यकीन नहीं हो रहा था कि ये सिद्धार्थ क्या, सिद्धार्थ की शिकायत करेगा, क्योंकि सबकी नजर में सिद्धार्थ जो है बहुत ही अच्छा प्रिंस है और वो कभी भी अन्याय नहीं कर सकता। सबके नजर में यही है कि सिद्धार्थ जो है वो कभी अन्याय नहीं कर सकता है, लेकिन जब कहा गया, कंप्लेन किया है, चूंकि वो भी एक प्रिंस है तो उसकी भी सुननी पड़ेगी, इसीलिए जब उसने कंप्लेन किया तो सिद्धार्थ को भी फिर अंदर बुलाया गया कि वो भी आके अपनी बात को राजा के सामने रखे। तो सिद्धार्थ एंटर्स द कोर्ट विद ए वाइट स्वान, अब सिद्धार्थ अंदर आया, अब उसको बुलाया गया, तो वो एक सफेद हंस के साथ, बहुत ही सुंदर प्यारा सा एक हंस था, उसको अपने साथ लेकर वो कोर्ट के अंदर आया। सिद्धार्थ सेड दैट इट इज हिज स्वान, अब सिद्धार्थ को पूछा गया कि ये जो हंस है वो कह रहा है, देवदत्त कह रहा है कि वो उसका है, तो तुमने उसका स्वान क्यों लिया? तो सिद्धार्थ क्या कहता? नहीं, ये स्वान तो मेरा है, ठीक है, ये स्वान उसका नहीं है, बल्कि ये हंस मेरा है। देवदत्त सेड इट इज हिज स्वान बिकॉज ही शॉट इट विथ एन एरो, अब देखिए देवदत्त कहता है नहीं, सिद्धार्थ झूठ बोल रहा है, क्यों? क्योंकि इस स्वान को तो मैंने शूट किया है, मैंने मारा है, मैंने उसको मारकर इसके वो नीचे गिराया है और मैंने अपने धनुष से, अपने धनुष बाण से इसको मारा है, मैंने मारा है अपने धनुष बाण से इसको मारकर मैंने गिराया है, तो फिर ये स्वान मेरा है, क्योंकि मैंने मारा है इसलिए ये स्वान मेरा है। अब देखिए, द चीफ मिनिस्टर सॉल्व देयर प्रॉब्लम, अब देखिए, अब इन्होंने तो कहा ये, और उसने क्या कहा?
सिद्धार्थ ने, सिद्धार्थ ने उसने तो कहा मैंने हंस को अपने तीर धनुष से मारा है, उसको नीचे गिराया है, तो ये मेरा है। लेकिन सिद्धार्थ क्या बोलता है कि नहीं, इसने मारा है लेकिन मैंने इसकी जान बचाई है, इसने मार कर उसको नीचे गिराया था और वो हंस आकर मेरे पैरों पर नीचे गिरा, मेरे पास गिरा, जब मेरे पास गिरा तो मैंने उसको उठाया और उसकी जान बचाई, तो इसीलिए ये मेरा है, ठीक है ना। उस देखो क्या कहना है, देवदत्त का कहना है मैंने मारा है इसलिए ये मेरा है, और सिद्धार्थ कहता है नहीं मैंने इसकी जान बचाई है इसलिए ये मेरा है। अब बच्चों आप खुद सोचो कि आपके विचार में क्या सही है, हैं? मारने वाले से बचाने वाले का बड़ा नाम होता है ना, आप खुद सोचो कोई मारता है और फिर कोई उसको बचाता है तो आपकी नजर में कौन सही है? हाँ बोलिए सही, आप ठीक सोच रहे हो, आपकी नजर में भी सिद्धार्थ सही है क्योंकि उसने हंस की जान को बचाई है। द चीफ मिनिस्टर सॉल्व देयर प्रॉब्लम। अब दोनों क्योंकि प्रिंस थे दोनों ही, राजा को अब ये समस्या आई कि इन दोनों की समस्या को मैं कैसे हल करूं, क्योंकि दोनों प्रिंस है, वो कहता है मेरा है मैंने इसको मारा है, ये कहता मेरा है क्योंकि मैंने इसकी जान बचाई है। तो राजा जो है, किंग जो है, बहुत पजल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि मैं कैसे इसको सॉल्व करूं। तब वो किसकी हेल्प लेते हैं, चीफ मिनिस्टर जो वहां का मेन मुख्यमंत्री होता है दरबार का, उसकी हेल्प लेता है और उससे कहता है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो चीफ मिनिस्टर ने फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब बेटा कैसे सॉल्व किया उन्होंने, द चीफ मिनिस्टर सेड टू सिद्धार्थ दैट ही पुट द स्वान ऑन द स्टूल। उसने क्या कहा, इस स्वान को एक उन्होंने स्टूल मंगाया, बीच में दरबार में एक स्टूल मंगाया और सिद्धार्थ से कहा कि तुम अपने हंस को इस स्टूल के ऊपर रख दो। सिद्धार्थ आया और उसने हंस को स्टूल के ऊपर बैठा दिया। Both of them called the swan, but swan at once flies to Siddharth's arm. अब देखिए राजा ने कहा, मंत्री ने कहा दोनों को बैठाने, उसको सॉरी हंस को जो उन्होंने स्टूल में बैठाया, अब उन दोनों से कहा कि आप बारी बारी से आइए और आकर इस स्वान को बुलाइए। अब ये स्वान के ऊपर है, हंस के ऊपर है, वो जिसके पास जाएगा वो उसी का है। देखो उसने बहुत चालाकी की, उसने उस हंस को उठा के ना उसको दिया ना उसको दिया। अगर वो सिद्धार्थ को देता तो देवदत्त बुरा मान जाता कि देखो मेरे साथ ना इंसाफी हुई है, और अगर सिद्धार्थ को देवदत्त को दे देता तो सिद्धार्थ सोचता कि देखो मैंने इसकी जान बचाई और उठा के उसको दे दिया, तो दोनों बुरा मान जाते। तो इसने बहुत अच्छा अपना दिमाग लड़ाया मंत्री ने, और उसने एक स्टूल में हंस को रखा और दोनों से कहा आप बारी बारी से आओ, आगे आकर इस हंस को अपने तरफ बुलाओ। अब देखिए पहले कौन आता है, देवदत्त आता है। देवदत्त आके हंस को अपनी तरफ बुलाता है, कमिंग स्वान कमिंग। लेकिन स्वान जो है जैसे ही उसकी आवाज सुनता है वो एकदम से घबरा जाता है और जो जो उससे चीखने लगता है डर के मारे। क्यों बेटा, देखो पक्षी भी जानते हैं कि कौन हमको बचाता है कौन हमको मारता है, हैं? इसीलिए वो जैसे ही देवदत्त उसको बुलाता है कम इन कम कम टू मी कम टू मी, लेकिन वो जो है जो जो से चिल्लाता है और डर के मारे वो कांपने लगता है हंस। तब उसके बाद ये मंत्री कहते चलिए आपकी बारी खत्म हुई, अब फिर सिद्धार्थ को कहते हैं सिद्धार्थ अब तुम्हारी बारी है, तुम आके हंस को बुलाओ। तब सिद्धार्थ आता है और सिद्धार्थ वैसे ही बहुत ही नम्र हृदय का और दयालु हृदय का था, तो वो बहुत ही आराम से आता है और फिर हंस को अपनी तरफ बहुत ही प्यार से बुलाता है कि तुम डरो मत, आओ तुम आओ आकर मेरी बाहों में बैठ जाओ इस तरह से। और हंस देखिए कितना पहचानता है, जैसे ही सिद्धार्थ ने ऐसे कहा हंस तुरंत उड़ के आके सिद्धार्थ की बाहों में बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि वो जान रहा है
कि ये मुझे बचाने वाला है और मेरी रक्षा करेगा, इसलिए वो उठ के आके उसकी बाहों में बैठ जाता है। ठीक है बेटा, इतना है। अब इसके आगे के पॉइंट्स और मैं अभी आपको डिटेल कर रही हूँ। हाँ बेटा, मैंने आपको सात इवेंट्स हुआ बताया, अब आठवां है। एक पॉइंट है, द चीफ मिनिस्टर सेड दैट स्वान हैज डिसाइडेड द केस। जब दोनों में आपको बताया डिस्प्यूट हुआ, स्वान वो कहता मेरा है ये मेरा है, तो उसमें क्या हुआ, फिर लास्ट में चीफ मिनिस्टर ने एक स्टूल मंगाया और स्टूल में स्वान को रखा और उन्होंने यही कहा था, बारी बारी दोनों बुलाइए और जिसके पास स्वान जाएगा स्वान उसी का होगा। तो आपने उसमें देखा था कि हमने आपको बताया था किसके पास गया था स्वान, सिद्धार्थ के पास, ठीक है ना। तो सिद्धार्थ के पास गया था, तो इस तरह से फिर क्या हो गया, द चीफ मिनिस्टर सेड दैट द स्वान हैज डिसाइडेड द केस। माने चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि स्वान ने, हंस ने स्वयं ही अपने केस को डिसाइड कर दिया कि कौन इसमें जीता, ठीक है, यानी स्वान किसका है वो स्वयं हंस ने ही इसको निश्चित कर दिया। ठीक है बेटा, ये आपका स्टोरी जो है प्ले है, ये आपका इतना है। उसके बाद इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स हैं जो आप इसको देखिए। पहला है काम, मीन्स क्वाइट, नॉट एक्साइटेड, शांत। फिर सप्लियंट माने वन हु सीक शेल्टर, शरणागत माने किसी के शरण में, शरणार्थी जिसको आप बोलते हो वो। फ्राइटेड, अफ्रेड माने डरा हुआ। फिर ट्रेमलस मीन्स शिवर्स विद फियर, भय से कांपना। ये चार शब्द मुझे थोड़े बहुत वो लगे जो मैंने आपको लिखा। अच्छा, अब आइए आपका क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर आपका पहला है, व्हाट वाज द कंप्लेंट ऑफ देवदत्त अगेंस्ट सिद्धार्थ। तो आंसर, द कंप्लेंट ऑफ देवदत्त अगेंस्ट सिद्धार्थ वाज दैट ही विल नॉट गिव हिम हिज स्वान, ही वॉन्टेड जस्टिस फ्रॉम द किंग। यानी पहला क्वेश्चन था कि देवदत्त का सिद्धार्थ के विरुद्ध कौन सी कंप्लेन थी, कौन सी शिकायत थी। तो उसका क्या कंप्लेन था सिद्धार्थ, ये देवदत्त का, देवदत्त अगेंस्ट सिद्धार्थ वॉज कि सिद्धार्थ ने उसके हंस को ले लिया है, ठीक है, विल नॉट गिव हिम, उसको उसका हंस नहीं दे रहा। He wanted justice from the king. अतः वो राजा से क्या चाहता है, न्याय, किसके लिए वो न्याय करे। Second, why did Siddharth claim that Swan was his? अब सिद्धार्थ ने क्या क्लेम किया कि उसने ऐसा क्यों कहा कि नहीं हंस जो है उसका है, तो क्यों कहा, देखिए, सिद्धार्थ क्लेम दैट स्वान वॉज हिज बिकॉज ही सेव्ड हिज लाइफ। आपको पता ही है मारने वाले से बचाने वाले का हक ज्यादा होता है कि नहीं बेटा। तो इसीलिए सिद्धार्थ ने ये कहा कि क्योंकि उसने हंस के जीवन को बचाया था इसलिए हंस सिद्धार्थ का है, ठीक। नाउ व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ क्षत्रिया अकॉर्डिंग टू द किंग। जो राजा हैं, जब उन्होंने ऐसा सुना तो उन्होंने ये कहा कि सिद्धार्थ आपको याद होना चाहिए कि एक क्षत्रिय का क्या, एक क्षत्रिय जो है उसकी क्या गुण होता है, क्या क्वालिटी होती है, ये आपको अच्छे से मालूम है। तो द क्वालिटी ऑफ, उन्होंने राजा ने कौन सी क्वालिटी बताई क्षत्रिय की, द क्वालिटी ऑफ क्षत्रिय अकॉर्डिंग टू द किंग, किंग के अनुसार, दैट ए क्षत्रिय कैन नॉट गिव अप व्हाट ही हैज सूट। उन्होंने कहा एक क्षत्रिय का ये क्वालिटी होता है कि जो उसने मारा वो उसी का है, वो दूसरे को नहीं दे सकता है, ये एक क्षत्रिय की क्वालिटी है। ठीक है बेटा, अब इसके आगे का हम और आपको क्वेश्चन आंसर बताते हैं। तो बेटा मैंने आपको तीन क्वेश्चन आंसर लिखा दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाई वाज किंग सुदोधना पजल, यानी किंग सुदोधना क्यों परेशान हो गए थे, ठीक है। तो उसका आंसर है, द किंग सुदोधना वॉज पजल बिकॉज बोथ ऑफ देम कंप्लेन दैट स्वान वॉज देयर, ठीक है। वो इसीलिए परेशान हो रहे थे क्योंकि
दोनों ही क्या कह रहे थे कि हंस उनका है, दोनों कह, दोनों प्रिंस थे देवदत्त एंड सिद्धार्थ, दोनों ही कह रहे थे कि हंस उनका है। सो द किंग कुड नॉट सॉल्व देयर प्रॉब्लम, इसीलिए अब किंग को लगा दोनों ही प्रिंस है, दोनों ही राजकुमार हैं और दोनों ही कह रहे हैं स्वान उनका है, तो वो परेशान हो गए और इसलिए वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए, इसीलिए वो परेशान थे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द चीफ मिनिस्टर आस्क सिद्धार्थ टू डू, चीफ मिनिस्टर ने सिद्धार्थ को क्या करने के लिए कहा। द चीफ मिनिस्टर आस्क सिद्धार्थ टू पुट द स्वान ऑन द स्टूल, क्योंकि उन्होंने ही यही सोचा था कि इनके समस्या को इस तरह से हल किया जाए, तो उन्होंने सिद्धार्थ से कहा कि आप इस हंस को इस स्टूल के ऊपर रख दीजिए। देव द स्वान ऑन द स्टूल। क्वेश्चन नंबर 6, देव द कॉल्ड आउट टू द स्वान, डिड इट कम टू हिम, व्हाट वॉज इट्स रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है कि देवदत्त ने स्वान को बुलाया अपने पास, तो क्या वो उसके पास आया, स्वान उसके पास आया, उसका रिएक्शन क्या था, जो स्वान था उसका देवदत्त के बुलाने पर उसका क्या रिएक्शन था। तो इसका आंसर देखिए, देवदत्त कॉल्ड आउट टू द स्वान बट इट डिड नॉट कम टू हिम, स्वान जो है उसके पास नहीं आया। द स्वान ट्रेम्बल्स एंड द क्राइज विद फियर, ठीक है, स्वान जो है उसके बुलाने से बहुत जोर से कांपने लगा, डरने लगा और डर के मारे वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, तो उसके पास नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द स्वान फ्लाई टू सिद्धार्थ आर्म। अब देखिए, स्वान जो है सिद्धार्थ के बाहों में क्यों चला गया। द स्वान आंसर, द स्वान फ्लू टू सिद्धार्थ आर्म बिकॉज इट न्यू दैट सिद्धार्थ सेव्ड हिज लाइफ। देखिए, उसने जब बुलाया सिद्धार्थ ने, तो वो तुरंत उड़ के सिद्धार्थ की बाहों में आ गया, क्योंकि वो जानता था अच्छे से कि सिद्धार्थ ने ही उसके लाइफ को, उसके जीवन को बचाया, ठीक है, वही उसकी रक्षा कर सकता है, इसीलिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन, हु डिसाइडेड द केस एंड हु एक्सेप्टेड द डिसीजन, है ना, किसने इसको डिसाइड किया, केस को किसने आखिर में डिसाइड कर दिया और कौन, किसने इसको एक्सेप्ट किया कि ये हाँ ठीक है, तो किसने किया था, स्वान ने, क्योंकि वो स्वयं खुद ही उड़ के आके उसकी बाहों में बैठ गया था। तो द स्वान डिसाइडेड द केस एंड द किंग एक्सेप्टेड द डिसीजन, ठीक है, किंग ने इसको स्वीकार किया कि हाँ केस जो है स्वान ने स्वयं हल कर दिया और इस तरह फिर स्वान को किसे दे दिया गया, सिद्धार्थ को, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेसन बहुत अच्छे से आ गया होगा और पढ़ने में सुनने में भी आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये एक प्ले है और इस तरह से मैंने आपको शुरू से अंत तक बताया, क्वेश्चन भी बताया, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा होगा, ठीक है बेटा, थैंक यू।